जो लोग भी टाटा करो का इंतजार कर रहे हैं अब मत करो तो अभी अच्छा है। क्यों क्या हुआ, कैंसिल हो गया क्या? अरे नहीं नहीं कैंसिल नहीं हुई, लेकिन उससे भी खतरनाक मशीन हमारे इंडियन ब्रांड की हमारे इंडियन मार्केट में आने वाली है, जिसकी लगातार स्पाई टेस्टिंग आ रही है हमारे सामने, स्पाई शॉट्स एंड हर चीज, जो कि अकॉर्डिंग टू मी टाटा कलर से 10 times बेटर है और वो भी अंडर 20 lakh महिंद्रा B05। इस गाड़ी की फिर से कुछ स्पाई इमेजेस हमारे सामने आई है एंड आज इसको कंपेयर भी करते हैं टाटा कलर से। और भाई यार पहले आप इमेज देखो कितनी मस्त लग रही है, ऐसे इंडिया के रोड पर चलते हुए ऐसे कुछ यूनिक से जा रहा है, कुछ अलग सा। और चलिए पहले इसके डायमेंशन को कंपेयर कर लेते हैं। टाटा कलर की लेंथ 4308 mm की है और B05 की 4370 mm, मतलब टाटा कर्व से लंबी है, काफी लंबी। टाटा कर्व की विर्थ यानी कि चौड़ाई 1810 mm की है एंड B07 की विर्थ 1900 mm की है, अगेन लंबाई भी चौड़ाई भी। टाटा कर्व की हाइट 1630 mm की है एंड B05 की 1653 mm B05 के अंदर। सो भाई साहब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हर चीज में, इनफैक्ट व्हील बेस तक में भी टाटा कर्व B05 से छोटी ही है। प्राइसिंग दोनों गाड़ी को सेम होने वाली है, सेम सेगमेंट में आएंगी गाड़ियां, बस 1.5 lakh का फर्क यहां पर हो सकता है, 1.5 lakh का यहां वहां, बाकी सेम होने वाली प्राइसिंग। और बाकी यहां पर आप इमेज देख सकती हो, ऐसे इंडियन रोड पर ये स्पाई हो रही है और यहां पर जो इसकी व्हील्स हैं ऐसे नॉर्मल्स वाले हैं, ऐसे बेस मॉडल में जो लगते हैं, काफी से लो क्वालिटी वाली व्हील्स यहां पर लगा रखे महिंद्रा वालों ने, जो कि ठीक है। और यहां पर अगर आप उसका डिजाइन देखोगे तो ऐसे यहां पर देखो बॉक्सी शेप है यहां तक, लेकिन यहां पर ऐसे ये कर्व हो गया है ताकि ये एकदम तगड़ी एरोडायनामिक बन पाए एंड हाउ का काट पाए। और भाई ये डिजाइन बहुत ही सही भी लग रहा है इसके ऊपर। फिर यहाँ पर इसकी रूफ ऐसे नीचे तरफ गई है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पे एक रूफ रेल, फिर यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट मेरे फेवरेट है, टाटा कर्व बस कूपे शेप में है, लेकिन ये कूपे प्लस हैचबैक प्लस सेडान प्लस एसयूवी प्लस स्पोर्ट कार, इन सारी गाड़ियों का मिक्सअप है कार। और दिन में ही नहीं, यहाँ पर आप इसका नाइट व्यू भी देख सकती हो, यार रात में क्या लग रही है, मतलब क्या ही लग रही है, मतलब देखकर एकदम मजा आ गया। यहाँ पर देखोगे ऐसे बगल में इसके छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं एंड ये रोड पर चल रही है, बहुत सही लग रही है भाई। लुक्स वाइज पावर वाइज फीचर्स वाइज हर चीज में गाड़ी अपने सेगमेंट में बेस्ट ही होने वाली है। और पावर वाइज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 0 to 100 भाई लिटरली 0 to 100 जस्ट 5 to 6 seconds के अंदर, मतलब 5 to 6 seconds के अंदर। अभी वो कंफर्म वाला नंबर हमारे सामने नहीं आया है बट कुछ दिन में आ जाएगा, लेकिन तभी भी 5 to 6 seconds के अंदर अराउंड आप मान लो 5.5 seconds में ये गाड़ी 0 to 100 टेस्ट कर जाएगी और इसकी प्राइसिंग अंडर 20 lakh होगी। तो फिर भाई साहब अंडर 50 lakh के अंदर, मतलब 50 lakh रेंज में जितनी भी गाड़ियां आती हैं, ये गाड़ी सबसे फास्टेस्ट एक्सीलरेशन वाली कार बन जाएगी, मतलब बाप लेवल का पिकअप यहां पर आपको मिलने वाला है। और बाकी यहां पर आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे, टू व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव। टू व्हील ड्राइव के अंदर थोड़ी छोटी बैटरी आएगी एंड थोड़ा छोटा ऐसे मोटर वगैरह आएगी एंड फोर व्हील ड्राइव के अंदर ऐसे बड़ी बैटरी एंड बड़ा मोटर वगैरह, ये सारे सिस्टम आने वाले हैं। और अभी कंफर्म नंबर नहीं है कि BHP एंड टॉर्क का, लेकिन कुछ दिनों में वो भी आ जाएगा। अंदाज के क्या ही बता दूं कि इसके अंदर ये BHP एंड ये टॉर्क आने वाला है। तभी भी अगर हम लोग इसकी बैटरी वगैरह की बात करें तो 60 kWh से लेकर 80 kWh तक के बीच में इसकी बैटरी पैक हो सकती है, या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि जो बेस वेरिएंट होगा टू व्हील ड्राइव वाला वहां पर 60 kWh एंड जो टॉप एंड द लाइन वेरिएंट होगा उसके अंदर 80 kWh एंड 5-star ग्लोबल गैप में पक्का है, कोई रोक नहीं सकता। और पिकअप तो बहुत तेज़ है, लेकिन इसकी स्पीड महिंद्रा वाले 200 km/h पर लॉक कर देंगे, उसके ऊपर इसको नहीं जाने देंगे। और वेल गाइस यही थी महिंद्रा की अपकमिंग B05 जो कि लॉन्च होने वाली है बस साल के एंड तक या फिर अगले साल के स्टार्टिंग में पक्का फिक्स लॉन्च होने वाली है। तो क्या आप इसको लॉन्च होने के बाद लोगे? टाटा कर्व बस 1-2 महीने में लॉन्च होने वाली है, 1-2 महीने बस आ रही है, उसके टीजर्स कभी भी बाहर आ सकते हैं। तो क्या आप टाटा कर्व लोगे या फिर 6-7 महीने वेट कर इसको लोगे? एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं फिर।